अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक क्लिक से पूरी गाड़ी का कलर चेंज कर सकते हैं जब मर्जी, तो आपको कैसा फील होगा? अमेजिंग ना? तो बने रहो इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो पूरे दुनिया में बहुत जल्द आने वाली है। अभी जो लास्ट वीक CES टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई ना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वहाँ पे BMW ने अपनी एक नई कॉन्सेप्ट कार लॉन्च की जिसका नाम था BMW iX Flow। इस टेक्नोलॉजी में उन्होंने ये बताया कि आपके बस एक क्लिक करने से पलक झपकते ही पूरी गाड़ी का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने 3 कलर के ऑप्शन दिए। आप अपनी गाड़ी को पूरा वाइट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं या ग्रे कर सकते हैं। बॉडी कलर के साथ साथ आप अपनी गाड़ी के जो अलॉयज होते हैं उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप अपनी गाड़ी को स्पोर्टी लुक देने के लिए स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं उसके ऊपर, केवल पलक झपकते। मतलब एक क्लिक किया, स्ट्रिप्स बन गई अपने आप गाड़ी के ऊपर। एक क्लिक किया, अलॉय के कलर चेंज हो गए। एक क्लिक किया, पूरी गाड़ी का कलर चेंज हो गया। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? स्टेला क्लार्क जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी, उन्होंने बताया BMW iX Flow बेसिकली एक EV है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, और ये जो कलर चेंजिंग वाली पॉसिबिलिटी जो हो पा रही है वो इसीलिए हो पा रही है क्योंकि इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो है ई इंक टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ होती है किंडल में। ई बुक्स नहीं आती उसमें, जो यूज़ होती है वही सेम टेक्नोलॉजी उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। एक रैप पेपर बनाया उन्होंने जो कि उन्होंने अपने एक मॉडल M60 के ऊपर लगाया था और उसको वहाँ पे शोकास्ट किया था। कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ BMW ने बकायदा अपने बायर्स के लिए 31 इंचेस का एक TV भी दिया है गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर Amazon Fire जो है वो इनबिल्ट है, यानी कि अब लेटेस्ट मूवीज जो हैं वो आराम से गाड़ी के अंदर बैठ के इत्मीनान से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, कि स्टेला क्लार्क का क्या कहना है इसके बेनिफिट्स के बारे में। चलिए, पहला बेनिफिट जो उन्होंने बताया वो ये कि सपोज कीजिए आप अपनी गाड़ी को किसी पार्किंग लॉट में लगा के भूल चुके हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की थी, तो आप अपनी गाड़ी को ब्लिंक करा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी गाड़ी अलग से हाईलाइट होगी और आपको पता चलेगा कि मेरी गाड़ी कहाँ पार्क है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट जो उन्होंने बताया कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लीजिए कोई आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है या कुछ भी ऐसी हादसा हो जाता है गाड़ी के साथ, तो गाड़ी जब सड़क के बीचों बीच खड़ी है तो ये पीछे से फ्लैश करना चालू कर देगी, ब्लिंक करना चालू कर देगी, जिसकी वजह से पीछे से आने वाले जो बंदे होंगे उनको हाईलाइट हो जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो सावधान हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा बेनिफिट जो मुझे वो पसंद आया वो ये है कि आप अपनी गाड़ी के कलर को समर में वाइट कर सकेंगे और विंटर में ब्लैक कर पाएंगे। आपको भी पता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करता है एज कम्पेयर टू वाइट, तो वाइट कलर में क्या होगा, गाड़ी के अंदर हीट कम से कम आएगी और जिसकी वजह से गाड़ी का इंटीरियर टेम्परेचर जो होगा वो मेंटेन रहेगा। और सर्दियों में जब हमें अंदर थोड़ी सी गर्मी चाहिए होती है तो उस कंडीशन में ब्लैक कलर जो होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो उस टाइम पर ये ब्लैक कलर बहुत हेल्प करेगा। चौथा बेनिफिट जो उन्होंने बताया वो ये था कि आप अपनी गाड़ी के कलर को ना अपने आउटफिट के साथ चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है तो अपनी गाड़ी का कलर को व्हाइट कर लीजिए, अगर आपने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है तो ब्लैक कर लीजिए, ग्रे कलर का कुछ पहना हुआ है तो उसके हिसाब से मैच करवा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की मैचिंग कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे ये कैसा पेंट है जो कलर चेंज करता रहता है? देखिए, ये आम पेंट की तरह नहीं है जो हमारी गाड़ियों पे लगा होता है, ये बेसिकली एक रैपिंग पेपर है जो इस गाड़ी के ऊपर चिपकाया गया है और उसकी प्रिसाइज कटिंग के लिए इसको लेजर कट किया गया है, ठीक है। अब इस रैपिंग पेपर के अंदर ना ई इंक है, वो जो ई इंक है ना वो बनी हुई बहुत सारे माइक्रो कैप्सूल से। अब इस माइक्रो कैप्सूल के अंदर जो है ब्लैक पिगमेंट भी है, वाइट पिगमेंट भी है। यहाँ पे जो व्हाइट पिगमेंट है ना वो नेगेटिव चार्ज है और ब्लैक पिगमेंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब इनको चार्ज प्रोवाइड किया जाता है ना तो उस टाइम पे जो कलर ऑप्शन आप चाहते हो वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। जिन माइक्रो कैप्सूल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो इतने छोटे होते हैं जितने आपके बाल की थिकनेस। अब होता क्या है, इनके अंदर होते हैं पिगमेंट्स, व्हाइट पिगमेंट भी हो सकता है, ब्लैक पिगमेंट भी हो सकता है। सपोज करो आपने कहा मुझे अपनी गाड़ी का कलर व्हाइट चाहिए, तो जैसे ही आपने व्हाइट कलर ऑप्शन चूज किया तो इनको चार्ज प्रोवाइड होगा। चार्ज प्रोवाइड होने की वजह से क्या होगा, ये जो व्हाइट कलर है ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, ये एक्टिव हो जाएंगे और आपकी गाड़ी का कलर व्हाइट हो जाएगा। सेम अगर आप ब्लैक कलर चूज करते हो तो ब्लैक कलर एक्टिव हो जाएगा और वो सरफेस के ऊपर आके शो होना चालू हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन पसंद आता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, अपने नोन के साथ, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मैं फिर मिलूंगा, बहुत जल्द मिलूंगा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।